सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 7 हिंदी पाठ 18 लोक माता अहिल्या बाई। कुछ है भाग मैंने आपको कल पढ़ाया था, जो शेष है भाग है वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने कल देखा था कि अहिल्या बाई के पास है युद्ध की लिए कुछ है राजा महाराजा आ चुके थे, तो उन्होंने एक पत्र लिखकर भेजा कि यदि आप युद्ध चाहते तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। आप पहले एक बात का जवाब दीजिए, सोचिए, विचारिए, यदि आप एक नारी से हार गए तो आपको ता जिंदगी यह सोचने को रह जाएगा कि बताओ मैं एक अबला से हार गया। यदि आप जीत भी जाते हैं इन्हीं कारणों से तो समाज क्या कहेगा कि एक अबला के ऊपर आप ने विजय प्राप्त की। यदि लड़ते तो किसी मर्द से लड़ते, तो इस तरह से और मैं लड़ने के लिए संग्राम के लिए तैयार हूं, आपके पत्र का मुझे इंतजार है। तो इस तरह से जब उन्होंने संदेश भेजाया तो राघोबा महारानी की इस बात से घबरा गया और तुरंत पत्र लिखा। क्या कहता है कि मैं तो बहन मैं आपसे मिलने आया हूं, मैं आपसे मिलने आया हूं और आपके प्रति संवेदना व्यक्त करने आ रहा हूं। तब अहिल्या बाई की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से होलकर राज भयमुक्त हो गया। तो उन्होंने क्या कहा था कि आप संवेदना व्यक्त करने आए हैं तो सेना लेकर नहीं, पालकी में बैठकर आते, मैं आपका स्वागत करती। और राघोबा अब अपने बिछाए जाल में स्वयं फंस गए। तो महारानी अहिल्या बाई की दूरदृष्टिता और बुद्धिमत्ता से अब यह राज्य भय से मुक्त हो गया। राघोबा पेशवा का षड्यंत्र धरा का धरा रह गया और जब उनका षड्यंत्र धरा का धरा रह गया तो पालकी में बैठकर महारानी उनसे मिलने के लिए पहुंची। अहिल्या बाई ने उनका अहिल्या बाई नहीं पहुंची, वो राघोबा पालकी में बैठकर अहिल्या बाई से मिलने पहुंचे। तो अहिल्या बाई ने उनका खूब आदर सत्कार किया। रानी की कूटनीति और बुद्धि चातुर्य तथा साहस को देखकर लोग दंग रह गए, अपने दांतों तले उंगली दबाकर और उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे महारानी अहिल्या बाई की। महारानी अहिल्या बाई युद्ध के पक्ष में नहीं थी, उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए कभी भी युद्ध नहीं किया। उन्होंने कहा हमें शांति चाहिए, हम किसी से भी युद्ध नहीं चाहते। पर जब किसी ने उनके राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रशिक्षित सुसंगठित सुगठित सेना द्वारा अपने रण कौशल और बुद्धिमत्ता से उनका वीरता पूर्वक सामना भी किया। उन्होंने युद्ध की चुनौती भी स्वीकार की, युद्ध भी लड़ा और शत्रुओं पर उन्होंने विजय भी प्राप्त की। उन्होंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। एक बार रामपुरा के सरदार सौभाग सिंह चंद्रावरा ने विद्रोह कर दिया
तो जब चंद्रावला ने विद्रोह किया तो उदयपुर के राणा ने उसकी सहायता एक विशाल सेना भेज दी। मंदसौर के मैदान में भीषण युद्ध हुआ, लोग कट मर गए और अहिल्याबाई ने 63 वर्ष की अवस्था में भी युद्ध का कुशलता से संचालन किया और उदयपुर जैसे शक्तिशाली राजा की सेना के छक्के छुड़ा दिए। तो 63 वर्ष की उम्र में भी अहिल्याबाई ने अपना रणकौशल दिखलाया, शत्रु को पराजय का सामना करना पड़ा। अहिल्याबाई के साहस को देखकर लोग दंग रह गए कि 63 वर्ष की उम्र में भी महारानी में वही 18 यानी कि नौजवान की तरह है, साहस धैर्य शौर्य सब है। अहिल्याबाई ने वीर यशवंत राव फरसे से के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। उसने अपनी वीरता और शौर्य से होलकर राज के चोर डाकुओं से मुक्त करा दिया, होलकर राज को चोर डाकुओं बेईमानों से मुक्त करा दिया। भीलों द्वारा लूटपाट की समस्या होलकर राज में हो रही थी, इस समस्या से निपटने के लिए अहिल्याबाई ने अपने विवेकास्त्र द्वारा भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व भार दे दिया। तो अब बात आती है कि जो चोर होता है उसी से कह दिया जाए कि आपको इसकी रक्षा करनी है, यदि कोई सामान चोरी है तो आपकी जिम्मेवारी है, अब आप उसको लुटा दें या उसकी सुरक्षा की। तो जब चोर को ही उसकी सुरक्षा का दायित्व दे दिया जाए तो सामान कौन चोरी करेगा, कोई नहीं। तो और नियम बनाया कि जिस इलाके के यात्रियों से लूटपाट होती है उसकी भरपाई वहां के भील करेंगे। अब क्या कहा कि जिस रास्ते में लूटपाट होगी उसकी भरपाई होगी, शासन नहीं करेगी, बल्कि जिस क्षेत्र में लूटपाट होगी वहीं के निवासी उसकी भरपाई करेंगे। अब आपका दायित्व है कि आप इनकी सुरक्षा करें। तो इस तरह इस समस्या से भी मुक्ति मिल गई और लूटपाट करने वाले भी सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने लगे। अब उनको रोजी रोटी मिल गई शासन की ओर से, यात्री निर्भय होकर राज्य में विचरण करने लगे। इस तरह जुझारू व्यक्तित्व की धनी रानी अहिल्याबाई ने अपने बात चातुर्य बुद्ध कौशल से सत्ता का कुशलता पूर्वक संचालन कर जनता को सुखी किया। अब वह रोज दरबार लगाती और प्रजा की समस्याओं का समाधान करने लगी। वीरगति पाने वाले सैनिकों एवं युद्ध में जाने वाले सैनिक परिवारों की सारी व्यवस्था स्वयं करती थी। उस परिवार में राशन पानी है, उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं है, इनका निरीक्षण महारानी स्वयं किया करती थी। वे कृषकों को सुविधाएं देती थी, लगान के रूप में कृषि पर कर लिया जाता था, जो बहुत कम होता उसे भी वे जनहित के कार्य में खर्च करती थी। किसानों से टैक्स तो लेती थी पर बहुत ही कम मात्रा में लेती थी, और जो टैक्स उनसे लिया उन्हीं के कार्यों में खर्च कर देती थी। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह सिद्धांत अहिल्याबाई का था। अन्य उद्योग धंधों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। महारानी अहिल्याबाई के शासनकाल में बहुमूल्य ग्रंथों की रचनाएं हुई और उन्हें संस्कृत मराठी हिंदी आदि भाषाओं का भी ज्ञान था। उन्होंने साहित्यकारों ज्योतिषियों कलाकारों और कई विद्वानों को दूसरे राज्यों से बुलाकर अपने राज्य में बसाया। विद्वानों को वे समय समय पर पुरस्कृत करती थी। अब जैसे कोई विद्वान है यदि उसे कोई सुने ना तो उनका भी मन गिरता जाता है, तो उनकी मनोदशा अच्छी रहे इसलिए महारानी समय समय पर कवियों को बुलाती, काव्य सम्मेलन करती, साहित्यकारों को
तरह तरह की प्रतियोगिता करवाती है, उनको पुरस्कृत करती और उन्हें नए नए रचनाएं करने के लिए प्रोत्साहित किया करती थी। तो जिससे उनको रोजगार मिला और समाज में एक नई दिशा दिखाई देने लगी। महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है। उन्होंने पूरे भारत में मंदिर बनवाए जो वस्तुकला के अनुपम उदाहरण है। कई मंदिरों का निर्माण करवाया और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति उनके दरबार से निराश नहीं लौटता था। ऐसी साहसी प्रतिभा संपन्न महान नारी भारत के गौरव के प्रतीक हैं। तो महारानी ने जगह जगह धर्मशालाएं बनवाई, कुएं बावड़ी आदि का निर्माण करवाया, पुरोहितों को दान दिया और विद्वानों को अपने राज्य में आश्रय दिया। इस तरह से एक वो सबसे अच्छी शासिका बनी। तो इस तरह से हम ऐसे महारानी अहिल्याबाई को साष्टांग प्रणाम करते हैं और ईश्वर से विनती करते हैं कि हे ईश्वर, यही सद्बुद्धि हर शासक को आप प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, यदि नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।